जो लोग मोबाइल पर जुआ खेलें या इसी तरीके से घरों में बैठ के खेलें या आंगन में बैठकर खेलें, आज नौजवानों का 70% तबका जो है वो जुए में मुब्तला है। कोई जंगली रमी के नाम पे पैसे आना चाहिए, घर बैठे पैसे आना चाहिए। कोई रमी खेल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। अब सुनो हुज्जतुल इस्लाम, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया में जुआ खेलते होंगे, बल्कि उन्होंने तो और मुबालगा किया, खेलने की बात नहीं की सिर्फ, जुआ खेलने का जिक्र तो किया, साथ में यह भी फरमाया कि सिर्फ जो जुआ के आलात अपने हाथों में ले लेंगे, जुए के आलात अपने हाथों में लेंगे, अभी खेला नहीं, खेलने के लिए हाथ में लिया, और अल्लाह अकबर, जब वो मरने के बाद कयामत के दिन उठेंगे तो उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, खिंजीर के खून में उनके हाथ रंगे हुए होंगे। मेरे वो नौजवान भाई जो जुआ खेलने की वो नादानी कर रहे हैं, वो दिल के कानों से सुने, दौलत ही सब कुछ नहीं है। दौलत तो नाचने वाले भी कमा लेते हैं, दौलत तो जिस्म बेचकर भी कमाने वाले कमा लेते हैं, दौलत तो बच्चों को बेचकर भी कमाने वाले कमा लेते हैं, दौलत कोई बड़ी चीज नहीं, दौलत तो भीख मांग के भी लोग कमा लेते हैं। अल्लाह अकबर, दौलत के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान कि जुए के जरिए से तुम अपने हाथों को कहां ले जा रहे हो। इमाम गजाली जैसा आरिफ बिल्ला वली ये कामिल अपने वक्त का अजीम सूफी इरशाद फरमाते हैं, जुआ खेलने वाले जब कयामत के दिन उठेंगे तो उनके हाथ सूअर के खून में, खिंजीर के खून में रंगे हुए होंगे। हाँ हाँ, वही सूअर अगर खाते वक्त नजर आ जाए तो तुम खाना छोड़ देते हो, वही सूअर अगर रास्ते में नजर आए तो तुम रास्ता बदल देते हो, इतनी नफरत करते हो ना सूअर से। और जब वो जुआ खेलकर अंजाम ये है कि वही सूअर के खून में वो हाथ रंगे होंगे जो जुआ खेलते होंगे। नुकसान क्या होगा, कयामत के दिन सूअर के खून में हाथ रंगे होंगे। अभी आप देखें, यहां आज आपके जलसे में पीरान निजाम आए सादात किरा, लेकिन जुआ खेलने वालों मेरे दिल का दर्द भी सुन लो, जब वो अल्लाह की कुर्सी पे बैठेंगे, अल्लाह के अर्श पे जलवागर होंगे, तो उस वक्त वो अपने उम्मतियों से मुसाफा करेंगे। उम्मत को मुसाफे का हुजूर, उलमा को देख के इतना तड़पते हो ना मुसाफा करने के लिए, अपने नबी का जिसका कलमा पढ़ते हो, जिसके गुंबदे खजरा को एक बार देखने की तमन्ना करते हो, अल्लाह मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखा दे, जब वो गुंबदे खजरा वाला खुद जलवागर होगा तो क्या तमन्ना होगी, सबसे मुसाफा हो रहा होगा, क्या करम हो रहा होगा, सबसे मुसाफा हो रहा होगा, सबसे मुसाफा हो रहा होगा। और जिन्होंने जुआ खेला होगा उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। नांदरखेड़ी के मुसलमानों, तुमसे पूछता हूं, अगर कीचड़ तुम्हारे हाथ में भरा हो तो तुम अपने मस्जिद के इमाम से मुसाफा नहीं कर सकते, और कयामत के दिन सूअर के खून में हाथ रंगे होंगे जुआ खेलने की वजह से, तो क्या अल्लाह के रसूल से मुसाफा कर सकोगे, हुजूर अलैह सलात व तस्लीम से मुसाफा कर सकोगे? कितना पछताओगे ना, कितना तड़पोगे ना, कितना बिलकोगे ना, लेकिन उस वक्त का पछताना कोई काम नहीं आएगा, उस वक्त का बिलकना कोई काम नहीं आएगा, उस वक्त का माफी मांगना कोई काम नहीं आएगा। ये दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, अपने आप पे रहम कर लो, मत इतनी बड़ी नादानी करो। क्यों खेलते हो जुआ, क्यों हाथ लगाते हो जुए को, गेम क्यों खेलते हो जो जुए की शक्ल के गेम है, क्यों ताश के पत्तों की तरफ जाते हो, क्यों लॉटरी की तरफ जाते हो, क्यों रमी की तरफ जाते हो? खुदा के लिए, पैसे तो सबको मिल जाते हैं, अरे मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके, मेहनत में बरकत है, मेहनत का पैसा हमेशा रहता है, मेहनत के पैसे में अल्लाह की रजा है, मेहनत के
ऐसे में अल्लाह की खुशनूदी है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर मैदान महशर में पछताने से बचना है तो यही अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। आज से पहले किसी ने कैरम खेला हो, आज से पहले किसी ने ताश के पत्ते खेला हो, आज से पहले किसी ने रमी खेला हो, इस नुकसान से बचने के लिए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। वरना हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर जाएंगे कि हाँ सुअर के खून में रंगे होंगे। अल्लाह हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली पर रहमत की नजर फरमाए, उन्होंने मैदान महशर बयान कर दिया और उन्होंने हदीस पर नजर किए बगैर इतनी बड़ी बात नहीं की होगी। वो आजकल के खतीबों की तरह नहीं, आजकल के गैर जिम्मेदार लोगों की तरह नहीं, इमाम गजाली अपने जमाने के इतने बड़े मुहक्किक का नाम है कि अल्लाह अकबर, यहां तक हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल मेराज की शब अल्लाह के रसूल से पूछा तो उसका जवाब देने के लिए मेरे आका ने इमाम गजाली की रूह को तलब फरमाया कि आज गजाली की रूह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब देगी। क्या पता है, हजरत मूसा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपने तो ये कहा ना कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, तो आपकी उम्मत का कौन सालिम मेरी तरह है, मैं अर्ज करना चाहता हूं। तो आका ने फरमाया गजाली की रूह को लाया जाए। तो गजाली की रूह सामने पेश की गई तो हजरत मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है, कहा मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे बाप का नाम भी मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। हजरत मूसा ने कहा मैंने तेरा नाम पूछा, तेरे बाप दादा का नहीं। तो हजरत इमाम गजाली की रूह ने कहा सरकार अल्लाह ने से भी तो आपसे इतना ही पूछा था ना, वमा तिल्क बियमीनिका या मूसा, मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है, आपने तो कहा था कि मेरे हाथ में असा है, जवाब मुकम्मल, लेकिन आपने कहा था सीधे हाथ में असा है, मैं इससे बकरियां चराता हूं, इससे पत्ते झाड़ता हूं, इससे टेक लगाता हूं। आका ने दब या गजाली, गजाली अदब कर। मूसा मुस्कुरा के कहते हैं हुजूर जान गया। गजाली ये है, उस गजाली ने कहा कि तुम्हारे हाथ जुआ खेलने वालों कयामत के दिन सुअर के खून में रंगे। वाह वाह, खूब।